नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर YESS ऐप टाइप कीजिए, जैसे वो आपको दिखाई दे इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी। बीस, तीस, चालीस, पचास, बस एक बार 1,99,950 रुपए हो जाएं तो मेरे पास टोटल 2,00,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन वो बाकी के लाऊंगा कहाँ से मैं? कितने हैं? 50 हैं। क्या हिसाब है केतन? क्या है ये? खैर, नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और आप देख रहे हैं द युवा उद्यम कौशल शो। और मंथ एंड आते आते या मिड तक ना वॉलेट के पैसे हो जाते हैं खत्म। और पैसा खत्म होने की वजह या न होने की वजह से हमारे कितने सारे प्लान जो है एकदम चौपट हो जाते हैं। इसका मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो है? क्या? पैसा। पैसा ठीक है यार, इतना ज्यादा लोड मत ले और खुश हो जा थोड़ा सा। स्माइल लुक्स नाइस ऑन योर फेस। स्माइल, कम ऑन, कम ऑन, अच्छी वाली है, गंदी सस्ती वाली नहीं, प्रॉपर वाली स्माइल दे। मैं हूं आपके साथ काव्या सिदानी और इसने वैसे एक्चुअली बहुत गलत बात नहीं कही। कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे बहुत सारे काम सिर्फ पैसे की कमी की वजह से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। देखो, कोई माने या ना माने, सच्चाई तो यही है कि आपको अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा मंटाल। हाँ, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपको काम करने की जगह कोई फ्री में दे दे या कुछ लोग मिल जाएं जो अपने स्किल्स, अपने कौशल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दें। ये कह के कि जब काम चल जाएगा तब पैसा दे देना, चल जाएगा जब काम चले बेटा तब दे देना। बिल्कुल सही। और अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है तो इसको बिजनेस के टर्म्स में स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। अगर आपके पास अपनी कोई जमीन है या कोई अपार्टमेंट है तो आप उसके बेसिस पर लोन ले सकते हैं। पर हाँ, वार्निंग 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 वार्निंग, लोन लेते वक्त रीपेमेंट परसेंटेज या इंटरेस्ट रेट पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि अक्सर ये परसेंटेज काफी ज्यादा होती है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तब भी आपको यह अमाउंट चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं बिजनेस दोस्तों और परिवार वालों के साथ मत करो। वो शायद आपको पैसे तो दे देंगे पर अगर आपका बिजनेस फेल हुआ और अगर उनके पैसे डूब गए तो शायद आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस आइडिया पर पूरा विश्वास है और आप किसी इन्वेस्टर को अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्रेस कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या ना हो रहा है। ये तो बेस्ट चीज है। हाँ, ट्रू। आपको बिजनेस के लिए पैसा भी मिल जाएगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट को गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा।
सॉरी टू इंटरप्ट काजल, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि बच्चों के कुछ सवाल अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं। हाँ पहुंच गए क्या? हाँ प्रोड्यूसर, हाँ हाँ पैसा कब दे रहे हो? ठीक है क्वेश्चन चला रहे हैं हम, क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन, हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम मोनिका कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, मैं किशनगंज में रहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैंक में खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम इरफाज है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं किशनगंज जिला का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए लोन देती है? मुझे मेरे गांव में महिलाओं के लिए बैंक खोलना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बैंक के क्षेत्र में नौकरी करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोनिका और अल्फराज, लगता है जैसे किसी परफ्यूम का ब्रांड है, मोनिका एंड अल्फराज। आपके क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद। बैंक अकाउंट खोलने के दस्तावेज, लोन और बैंक के क्षेत्र में नौकरी, इन सभी सवाल के उत्तर आपको कोई भी बैंक में जाकर मिल जाएंगे। वहां जाइए, पूछिए, बताएंगे। रही महिलाओं के लिए बैंक खोलना, तो आप आज लकी हैं, क्योंकि इसी पर तो आज का ग्राफिक उपन्यास आधारित है। मैं तो कहूंगा खुद को चैलेंज करो और कोशिश करो कि आप पैसों को रिप्लेस कर सको फ्री और सस्ती काम की जगह से, अपने व्यवहारिक कौशल से और बेसिक निवेश से। जब आपका बिजनेस चल जाए तो भैया फिर तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो, हमारा आइडिया बिल्कुल सफल हो गया है। बहुत बहुत ओवर एक्टिंग। और जैसे ही आपके बिजनेस से पैसे आने शुरू हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलिए, अपनी संस्था, उत्पादों या सेवाओं को रजिस्टर करवाइए, सही वक्त पर टैक्सेस का भुगतान करें और सारे खर्च का रिकॉर्ड रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं। पर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप एक अकाउंट खुलवाएं। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ये सीखें। आपके बैंक की अपनी एक ऐप होगी, जिसके द्वारा आप ये सारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन और रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकते हैं। आपको चलकर बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ वक्त तक के लिए अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। इससे होगा क्या कि आपके बैंक अकाउंट में एक कैपिटल धन राशि, जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो जमा हो जाएगी, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आप इस सेविंग्स को, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल है, उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और पैसों की जरूरत है, तो आप अपने इसी बैंक अकाउंट के सहारे लोन भी ले सकते हैं। हाँ, और सिर्फ बैंक से नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी माइक्रो कंपनीज भी होती हैं, जो ये देखती हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सेविंग्स हैं, और उसके आधार पर आपको वो लोन दे सकते हैं। बस हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपसे अच्छा आपके पैसे के बारे में कोई नहीं जानता, और आपकी ही मेहनत उसे छोटे से बड़ा बना सकती है। आइए इसके बारे में हम युवा उद्यमी पावनी खंडेलवाल से दोबारा मिले और देखें उनकी बिजनेस शुरू करने की क्या सलाह है। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? माय नेम इज पावनी खंडेलवाल, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ, जिसका नाम है मथुरा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का बर्थ भी हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना है ना आप सबने? हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम भी है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाती है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने आज से 3 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी, तब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है, या किसी और तरह का कैपिटल नहीं है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो आप खुद हैं, राइट? अगर आप उस बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, या और किसी तरह का कुछ भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अगर आप कभी भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप खुद अच्छे हो। थैंक्स यार पावनी, एक बात याद रखना है
कि कई बार हमारी मेहनत के बावजूद बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ लड़ाई, रिसर्च की कमी होना या क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि बिजनेस के किसी एक वर्टिकल, जैसे कोई एक मशीन, किसी एक स्किल या किसी एक प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, तो कोशिश करें कि जो इन सर्विसेज के उद्यमी हैं, आप उनसे पार्टनरशिप कर सके और बिना पैसे इन्वेस्ट करे आप उस मशीन या स्किल या प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना और उनके साथ बहुत सारी काम की बातें करना। और कॉन्टैक्ट बढ़ाना यानी सिर्फ आपके फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं, लेकिन उन लोगों से जो आपके बिजनेस में मदद कर सके और आप दोनों का बिजनेस से फायदा हो, और वो लोग आपको सिर्फ आपके बिजनेस की वजह से जानते हो और आपको आपके बिजनेस की वजह से ही आप पर भरोसा करते हो। वो बोलते ना, काम से काम रखो। इसके अलावा कोई बिना काम के बात करे तो उसको अपने पास बुलाओ, बोलो इधर आओ और उसको बोलो हट, फालतू बातें कर रहा है। नाउ अनजान लोगों की खूबसूरती है ही यही कि क्योंकि वो खुद एक उद्यमी है तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और गाइड भी करेंगे। पर क्या आपको ये डर है कि अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर से अपना आइडिया शेयर करूंगा तो वो कहीं उसे चुराओ की चला न जाए? अगर ऐसा है तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कभी इन चीजों से नहीं डरते। एक, अगर जिस प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में काफी बड़ी है, तो आपको उसका उपाय ढूंढने के लिए हर उस शख्स की जरूरत है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स की खासियत ये है कि वो सिर्फ एक आइडिया पर निर्भर नहीं रहते, उनके पास एक के बारे ये गया नहीं कि दूसरा आइडिया बिल्कुल तैयार रहता है। पर यहां एक पॉइंट ये भी है कि अकेले सब कुछ करने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस पीयर ग्रुप यानी अन्य बिजनेस चलाने वालों के समूह से जुड़े, जहां आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और लोग आइडियाज पर अपनी राय और फीडबैक देते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स और सेविंग ग्रुप्स या फिर ऑल वुमेन बैंक्स। आई थिंक ये सब आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। सत्य वचन दोस्त, गिव मी अ फिस्ट बम्प। ये लोग पैसों की बात करने से डरते नहीं, क्योंकि पैसा ही तो है जिसके लिए आप इनसे मिलोगे, और क्या वरना क्या मोटे हो, उनके साथ बैठ के दाल मोट खाना है। और क्योंकि बात पैसों की है तो ये आपको सही गाइडेंस भी देंगे, फीडबैक भी देंगे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी देंगे, और इन सब के लिए सब कुछ फ्री, 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 फ्री। बिल्कुल, ये फ्री तो है और बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक मीटिंग करते हैं, फिर उस डिसीजन के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर सब की सहमति के साथ एक फाइनल आउटकम पर आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल, कितना अच्छा प्रोसेस है कि नहीं? और उतना ही अच्छा हमारा आज का ग्राफिक नॉवल भी है। ये उपन्यास वास्तविक बिजनेस मॉडल पर आधारित है। ये स्टोरी है चेतना सिन्हा की, जिन्होंने महिलाओं के एक ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र के राज्य में एक बैंक सेटअप किया है केवल महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं की मदद हो सके और उन बिजनेसेस की मदद हो सके जो उस क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वुमेन बैंक का नाम है मनदेशी सहकारी बैंक, और आप भी यहां पर जा सकते हैं और अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक मौजूद है। 12वीं कक्षा खत्म करने के बाद कुछ लड़कियों ने ग्रामीण बैंकिंग कार्य और व्यापार अवसर के बारे में अनुसंधान किया और यह उन्हें पता चला। यह युवा महिला बैंकरों की कहानी है जो व्यवसायी महिलाओं और महिला उद्यमियों को जीविका चलाने में और अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर रही है। ये मारदेशी महिला सहकारी बैंक की युवा महिलाएं हैं जो महिला उद्यमियों को समय पर, कम ब्याज पर और उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण देने का काम करती है। बैंक महस्ववाड़ बाजार के पास स्थित है। जब मारदेशी की स्थापना की गई थी तो यह विचार था
कि महिलाओं को बचत के साथ साथ ऋण के लिए भी आसान और कम खर्चे वाली सेवा का एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। मार्देशी फाउंडेशन बैंक के लक्ष्यों में हाथ बटाते हुए बैंक के साथ विकसित हुआ, जो ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों को बतौर सहायता नेटवर्क वित्तीय शिक्षा और कौशलों की जानकारी देता है। शैलजा एक लोन ऑफिसर है जो फील्ड लोन ऑफिसर्स की वरिष्ठ के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें सहायता प्रदान करती है। वह उन लोगों की भी मदद करती हैं जो ऋण के लिए बैंक से संपर्क करते हैं। क्षेत्र के ऋण अधिकारी जैसे सरस्वती कृषि और पशुपालन उद्यमियों को ऋण का लाभ उठाने में मदद करते हैं। वे उन लोगों को ऋण प्राप्त कराने का काम करते हैं जिन्हें अपने व्यापार का विस्तार करना होता है। माधुरी क्षेत्र ऋण अधिकारी साप्ताहिक बाजारों के प्रभावी है। महसवाड़ में प्रत्येक बुधवार को एक साप्ताहिक बाजार होता है, जहां कई क्षेत्र के ऋण अधिकारी छोटे स्तर के विक्रेताओं से मिलते हैं, जिन्हें सुबह वस्तुओं की खरीद के लिए एक दिन के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और वे शाम तक ऋण का भुगतान कर देते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय जो महिलाएं चलाती हैं, जिनके लिए उन्होंने ऋण लिया और उन्हें सफलतापूर्वक लौटाया, उनमें संगीत वाद्य यंत्र निर्यात, कुम्हार, चूड़ी की दुकान चलाना और यहाँ तक कि पहलवान, शिक्षक, बकरी प्रजनन और फैशन डिजाइनर के पेशे भी शामिल हैं। क्या इस कहानी में आपकी दिलचस्पी है? क्या आप भी यह जानना चाहेंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं? वाव, ये है महिला शक्ति। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल महिलाएं पुरुष से दो कदम आगे ही हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। I'm feeling really happy after watching this. I'm a full महिला शक्ति वुमन एम्पावरमेंट पर्सन। अच्छा। मुझे ही देख लो, ये पूरा शो मैंने ही तो संभाला है। मेरे कंधों पे मेहनत करके सुबह 5-5, 6-6 बजे आके, है ना? Well done, Kavya. I'm so proud of you. सही बात है। मैं तो यहाँ खाली भजिया तलता हूँ, खाता हूँ, उससे मुझे गैस होती है, फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, ठीक हो जाता हूँ और भजिए खाता हूँ। यही मेरा काम है, हलवा बना बना के अपने मुंह पे मारना। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। नहीं, आप भी इक्वल ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ले लो, जितना क्रेडिट लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सही बात है, तुम ना होती तो ये शो इस तरह से ना हो पाता जैसे होता है। अगर आपका 4 महिलाओं का एक ग्रुप है जिनके पास एक उद्यम का आइडिया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आइडिया 20 या उससे ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकता है और 1,000 से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो हम आपका आइडिया जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या है। एक ऐसा आइडिया जो महिलाओं के द्वारा संचालित हो और महिलाओं को उससे मदद भी मिल पाए, बिल्कुल वैसे जैसे चेतना जी का आइडिया था। हमें तलाश है कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स महिलाओं की। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हैं, तो हमें लिख भेजिए अपना आइडिया या अपने आइडिया को समझाते हुए अपनी एक वीडियो बनाइए और हमें स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। वैसे काबिल, क्यों ना हम हमारे दर्शकों को एक युवा उद्यम का एक ऐसा वीडियो दिखाएं ताकि वो उनसे प्रेरणा ले सकें, है ना, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आ सकें। Absolutely, let's go. मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूअर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी, मैंने उस पैसे से इस बिजनेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है, तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पीते हैं, उस तरह उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। उनमें से एक है कि आप प्लास्टिक कटलरी और स्ट्रॉ की जगह कुछ रियूजेबल इस्तेमाल करें।
स्क्रैप कपड़ा जो होता है बुटीक्स वगैरह से जो एक्स्ट्रा रह जाता है, आपके आपने कपड़ा दिया 4 से 5 मीटर बनने के लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से आई वुड से कम 1 मीटर वेस्ट जाता है, मगर कतरनों में उसका कोई शेप नहीं है एज सच. टेक्सटाइल पोल्यूशन कम करने में एक तो हेल्प करते हैं. ऑल्सो ये जो औरतें हैं जो सिलाई सेंटर पर सिलाई सीखती हैं, इनके लिए मार्केट लिंकेज क्रिएट हो जाती है कि ये अपना कौशल इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सकें. कि मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है इसमें, टू ऑलवेज इनकरेज मी. और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे जगह जगह ले जाना, बुटीक से कपड़े इकट्ठे करना और फिर सिलाई सेंटर वाली औरतों से बात करना, उनसे काम करवाना, उनका काफ़ी हेल्प रहा है इसमें. तो नो डाउट कि यू नो ये जो बड़े लोग होते हैं 70+, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही होते हैं इन देयर प्रैक्टिसेस एंड इनकी लाइफ. यू नो पोचा, अब शर्ट को पोचा बना लो और फिर उसका ये कर लो, एंड इनको आइडियाज़ बेस्ट आते हैं. बट यू नो ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपनाने में मुझे लग नहीं रहा था कि यू नो दे विल बी ओपन टू इट, बट दे वर वेरी ओपन टू इट. एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड, यू नो डोंट बी इन द बॉक्स, गेट आउट ऑफ द बॉक्स. और अब वक्त आ चुका है ग्राफिक नॉवेल जीतने का. I love winning things. मुझे चीजें जीतना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मेरा favorite segment है. तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सवालों के सिलसिले का. पहला सवाल, वो क्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता? दूसरा सवाल, रिसोर्सेज का क्या अर्थ होता है? स्टार्टअप कैपिटल किसे कहते हैं? और अगर स्टार्टअप कैपिटल ना हो तो आप इसे किस से बदल सकते हैं? कर्ज पे ली हुई रकम और एंजल निवेश की रकम में क्या फर्क होता है? उद्यमी बनने के लिए कौन किसकी मदद करता है? कौन से लोग ज्यादा सहायक हो सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें आप नहीं जानते? आज की कहानी में महिलाएं क्या करती हैं? क्या ये वास्तविक कहानी पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पे लिखे नंबर पर दे सकते हैं, या फिर अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद ऐप से हमको जवाब दीजिए. पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल. तो जल्दी भेजिए अपने जवाब. आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द कुछ नई कहानियों और कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ. तो तब तक आप भी अपना दिमाग चलाते रहिए, नए आइडियाज खोजते रहिए, सोचते रहिए. आप अपना ख्याल रखें. नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी आपसे फिर मिलूंगी. थोड़ा ठीक से करो यार, वहां पे छूट गई दूध. नीचे टेबल पे जो था वो क्लियर कर लिया आपने? मतलब क्या, तुम मुगले आजम हो? मैं अनारकली हूँ, मैं नाचूं, तुम अशर्फियां उड़ाओ. पूरा साफ कर दिया, हालत देख रही हो मेरी? सुबह से बाल में कंघी नहीं गई है और इन्होंने अपने सर पे जिगजैग बनवाया. जिगजैग क्योंकि मैं अपना काम टाइम पे खुद कर लेती हूँ. तुम्हारे जैसे नहीं, लास्ट मिनट आके इधर उधर थोड़ा हाथ मार दिया शो के लिए. ओहो, एनीवेज जितने लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है. मैं हूँ केतन सिंह और इस शो का नाम है युवा उद्यम कौशल शो. और मैं हूँ काव्यल सिदानी और हमारे युवा उद्यम कौशल शो में आप सबका स्वागत है. एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा यह हाल क्यों हुआ पड़ा था. एक्चुअली अब रेगुलर बेसिस पर मेरी मॉम भी हमारा शो देखने लग गई है ना, और उनका कहना है कि जब शो DIY कर रहे हो तो सफाई भी DIY यानी डू इट योरसेल्फ होनी चाहिए. वो योरसेल्फ में खाली मैं ही हूँ, ये बैठ के खाली डायरेक्शन दे रही है. मैं अपने घर पे सब अपना कर लेती हूँ, समझे ना आप? लेकिन तुम्हारी हालत देख कर ना तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है. पर सही बात है, यही तो कहता है हमारा शो कि आपको जो भी करना है खुद करो. यस, अपना काम करना है तो DIY, अपनी पढ़ाई करनी है तो DIY, अपना बिजनेस करना है तो DIY, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो DIY. एवरीथिंग जहां तक हो सके DIY, डू इट योरसेल्फ, अपना काम स्वयं करो. खैर तुमने क्योंकि एंटरप्राइज की बात करी है तो मुझे लगता है कि उसके अराउंड बात करते हुए ये बता दूं कि आप जब एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके या लोगों की मदद हो सके, तब आपको हर डायरेक्शन में सोचना चाहिए.
सारे पहलू ध्यान में रखने होंगे, 360 डिग्री रिसर्च करनी होगी और सबको साथ लेकर और सबके बारे में सोचते हुए चलना होगा, जिसे डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन कहते हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर सोच लें, अगर आपने सबके बारे में नहीं सोचा तो समाज का एक हिस्सा आपके आइडिया से वंचित रह जाएगा और आपका आइडिया उनके किसी भी काम नहीं आ पाएगा। भाई साहब, तुमने क्या वर्ड यूज किया? डिजाइन फॉर इंक्लूजन। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अपने आइडिया को लॉन्च करने की जल्दी में या तो हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, या तो हमें लगता है कि वो हमारे आइडियाज को यूज ही नहीं कर पाएंगे उनकी सीमाओं की वजह से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर शख्स, हर वर्ग, हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल हमारे आइडियाज में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, बस अगर हम अपने आइडिया को उनके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकें तो। वैसे अगर देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम अपने प्लान बनाते हुए सोचते ही नहीं, बट आज मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी डिसेबल्ड, विकलांग लोगों के बारे में। यस, और हम बात करेंगे हर तरह के डिसेबिलिटीज की, कुछ ऐसे जो शायद आपने सुनी हो और कुछ ऐसे जिनके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। दुख की बात तो ये है कि हम डिसेबिलिटी सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, एंड आई थिंक आपको एक ऐसा एंटरप्राइज जरूर शुरू करना चाहिए जहां ये लोग पढ़ सके, देख सके, जान सके और सीख सके। बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिपोर्टेडली डिसेबल्ड हैं? अब आप ये कह सकती हो कि हमारा देश जहाँ 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ 2 करोड़ तो बहुत छोटा सा फिगर है। नहीं, ये काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि डिसेबल्ड लोगों को भी अपनी जिंदगी जीने का, पढ़ने का और काम करने का हक है, जैसे कि बाकी सारे लोगों को है। हाँ, और इस सेक्टर में कितना कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है, जैसे लाइटवेट मटेरियल बनाना, प्रोडक्ट्स को अलग डिजाइन में बनाना, उनकी जरूरतों के हिसाब से बनाना, प्रोडक्ट्स को सस्ता यानी इनएक्सपेंसिव बनाना, या कुछ बिल्कुल ही अलग आइडिया लाना इन लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आपकी, हमारी, हम सबकी यही कोशिश रहती है कि हम किस तरह से नई चीजें सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम बना रहे हैं उन सारे लोगों के काम आए जिनको उनकी जरूरत है। साथ ही साथ जो और कंपनीज हैं वो हमारे आइडियाज से अपने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सके जिस तरह से हम पहुंचा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे आज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके और आने वाले टाइम में उस पर काम करके उससे लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सके। और ये सब आप भी कर सकते हैं अगर आप हर वक्त बहुत सारे सवाल और शोध करते रहें। Yes, that's true. आप बस पूरी लाइफ सवाल पूछते रहिए, जैसे इन युवा ने अपने शोध के लिए कुछ सवाल भेजे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम आतुल सिन्हा है और मैं पटना से हूँ। मैं 10th में स्टडी करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी विषय लूँ? हाय DIY शो, मेरा नाम आयुष है, मैं पटना में रहता हूँ। मेरा कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, हम विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने खेती में किस तरह क्रांति ला सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं स्टेम स्किल से किन समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ? थैंक यू। हम स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहें तो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? वाओ, विज्ञान और स्टेम स्किल्स, खेती में और स्वच्छ ऊर्जा, ये सब 21वीं सदी के ही कौशल हैं। और लड़कियां इंजीनियरिंग के फील्ड में जरूर जा सकती हैं और इसे हासिल करने के लिए आपको पहले 12वीं के बाद की पूरी पढ़ाई खत्म करनी होगी। पर केतन, यदि आपके पास अभिनव और जिज्ञासु होने की योग्यता और दृष्टिकोण है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही। ऐसी ही हमारी आज की एंटरप्राइज स्टोरी भी है, एक रियल स्टोरी नेहा अरोरा की, जिसके दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता डिसेबल्ड हैं। जहां उनकी मॉम को पोलियो की वजह से चलने में दिक्कत है, वहीं उनके पिताजी देख नहीं सकते। नेहा अपने पेरेंट्स के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को देखती हुई बड़ी हुई है, लेकिन इतने चैलेंजेस के होते हुए भी नेहा के पेरेंट्स खुशी से जिंदगी जीते हैं। नेहा ने बड़े होते वक्त अपनी मॉम एंड डैड की डिसेबिलिटीज की जगह एबिलिटीज नोटिस करी और उन्हीं एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एंटरप्राइज शुरू किया, प्लैनेट एबल्ड, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ट्रिप्स प्लान करती है। इसे कहते हैं डिजाइन फॉर होप। ये बताते हुए ही मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा कूल टाइप का चीज हो गया ये तो। बट यहाँ पर कितनी ज्यादा डीप एंड डिटेल्ड प्लानिंग लगती है भाई साहब, सोचिए जरा। प्लानिंग के दौरान सब चीजों का पहले ही ध्यान देना कि उन स्पेशली एबल्ड लोगों को ट्रिप पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है,
हर छोटी बड़ी चीज को प्लान करना, सभी प्रायर अरेंजमेंट्स करना, यानी कि पहले ही देख लेना कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। किसी को शायद देखने में प्रॉब्लम हो, किसी को चलने में, किसी को शायद बोलने में या किसी को सुनने में, उन सब के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। तो नेहा ने सभी हालातों के हिसाब से अपने प्लान को डिजाइन करना सीखा। नेहा ने हर छोटे से छोटे गैप को फिल किया, हर जरूरत को पूरा किया, फिर चाहे वो सीढ़ियों की प्रॉब्लम हो, ट्रेन में चढ़ने की प्रॉब्लम हो, या फिर डिसेबल्ड लोगों को टॉयलेट्स यूज करने की प्रॉब्लम हो, हर चीज की फैंटास्टिक प्लानिंग। बहुत ज्यादा बढ़िया प्लानिंग, क्या बात है, सलूट नेहा को, सलूट। नेहा ने फ्यूचर का सोचा, उसके हिसाब से प्लानिंग की, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट किया और उनके पहले ही सॉल्यूशंस निकाल लिए। सोचिए अगर आप लोगों को नेहा के साथ इंटर्नशिप करने को मिले तो आप लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कस्टमर्स से कैसे पेश आना है, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स पर काम करना, ट्रैवल प्लान्स बना और ना जाने क्या 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 क्या। नेहा कितने लोगों के सपने पूरे कर रही है ना? और जिन लोगों ने नेहा की ट्रैवल कंपनी के थ्रू ट्रैवल किया है उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी डिसेबिलिटी के चलते कभी ताजमहल देख पाएंगे या पहाड़ों पर जा पाएंगे, पर नेहा की एंड टू एंड प्लानिंग और डिजाइन ने उनके ये सारे सपने पूरे किए। मैं उन सभी लोगों की तरफ से नेहा आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आई थिंक हम सबको ट्रैवल करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। चलो फिर जब तक हम दोनों अपना अगला एडवेंचर ट्रैवल प्लान करते हैं, आप लोग को हमारी आज की स्टोरी जिसका नाम है Anywhere You Want To Go, जो बिजनेस मॉडल इस स्टोरी में दिखाया गया है वो नेहा की प्लैनेट एबल स्टोरी पर ही बेस्ड है। पर आप जब ये स्टोरी देखोगे तो आपको उनकी जर्नी में एडवेंचर और होप दोनों ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, एक ऐसा डिजाइन जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना ही कोई बाउंड्रीज है, बस उम्मीद है। उम्मीद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की और उनकी मदद करने की। इसको तो कहते हैं यानी कि उद्यमी होना। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो आपको नहीं मारता है वो आपको मजबूत बनाता है। यह सच है और यह जुड़वा बहनों आशा और आयशा से बेहतर कौन जान सकता है। दोनों हर क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या कुछ और। फिर एक दिन आशा के साथ दुर्घटना होती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। दुर्घटना के बाद वो कहीं नहीं जा पाती थी और उसे अपने बिस्तर तक ही सीमित रहना पड़ता था। वह सोचती थी, मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे उतना नहीं परेशान करती जितना मेरा टूटा हुआ दिल करता है। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, अपने पसंदीदा खेल नहीं खेल सकती थी, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर नहीं जा सकती थी। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उसकी जुड़वा बहन आयशा भी दिल से टूट गई थी। मुझे अपनी बहन की याद आती है। दुर्घटना से पहले हम सब कुछ एक साथ ही तो किया करते थे। उनकी माँ जो सोलर इंजीनियर थी, वह दिन रात काम करती है ताकि आशा पर दुर्घटना की वजह से आंच ना आए। आयशा और उसकी माँ ने खुद से वादा किया कि वे आशा को कभी भी अलग महसूस नहीं होने देंगे और वह विकलांगता की वजह से खुद को कभी कम महसूस नहीं करेगी। आयशा ने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और व्यापार का अध्ययन करने चली गई। आशा को एक मोटर चलित व्हीलचेयर मिली ताकि वह घूम सके। उसने भी स्कूल खत्म किया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लिया। आशा को पहाड़ों के बीच अपने दोस्त की शादी में जाना था। आयशा और उसकी मां ने अपने वादे को नहीं भूले थे कि वे आशा को विकलांगता की वजह से कभी निराश महसूस नहीं होने देंगे। वे दोनों मिलकर आशा को पहाड़ों पर ले गए। आयशा और आशा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और इस आधार पर उन्होंने अपना नया उद्यम शुरू किया। उन्होंने कंपनी का नाम रखा नो होल्स बैर्ड,
यह उद्यम विकलांग लोगों को भारत में कहीं भी घुमाने फिराने का काम करता है। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप विकलांग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया की खोज नहीं कर सकते और अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप आशा और आयशा जैसे विकलांग लोगों के लिए एक टूर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या ऐसा समान व्यवसाय? यह जानने के लिए एक्टिविटी बुक को पूरा करें। यार कितनी इंस्पिरेशनल कहानी है। इस नॉवल की स्टार्टिंग में तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कैसे एक पल में जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी हर पल बदलती रहती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस जिंदगी को पूरे मतलब फुल पावर जिसे कहते हैं उसके साथ जिए। और यही फुल पावर दर्शाया हमारे इस ग्राफिक नॉवल में। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदल देना, वैसे ही हुआ स्टोरी में भी। और हम सबने देखा कैसे एक शख्स की सोच और उसके आइडिया से कितने सारे लोगों के सपने पूरे हुए। मेरा आपको दिल से धन्यवाद है और सैल्यूट। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की, यूथ की या एल्डरली लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो प्लीज़ आप हमें आज ही अपने आइडिया को समझाते हुए अपना एक छोटा सा एक मिनट का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर दें। हमारे पास एक स्टार्टअप फंड है जो ऐसे ही आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो आपके पास मौका है अपने एक एंटरप्राइज शुरू करने का और लोगों की मदद करने का। और अगर आपको आइडिया सोचने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए तो देखिए ये सारी स्टोरीज। हाय, मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। मैं वुड हाउस का संस्थापक हूँ, जो कलकत्ता का पहला पालतू थीम बार और कैफे है। यह मूल रूप से एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप आ सकते हैं और हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं थी। मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ आप पालतू जानवरों के साथ जा सकें और खेल सकें। इसी तरह मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी जगह शुरू करूँगा जहाँ लोग हमारे पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। यदि आपके पास पालतू जानवर हैं तो आप उन्हें साथ ले जा सकते हैं। इस तरह से वुड हाउस की पूरी अवधारणा सामने आई। हमें दो फारसी बिल्लियां मिली हैं, सिम्बा और सासा। हमारे पास दो कुत्ते हैं, एक है बीगल और दूसरा है कॉकर स्पैनियल। दोनों के 2 साल हो चुके हैं। सिम्बा और सासा फारसी बिल्लियां भी 2 साल की हैं। हमारे पास अभी 9 पक्षियां हैं। यह एक अफ्रीकी ग्रे तोता है, इसका नाम जार्विस है। अब अभी लगभग 4.5 साल का है। हमारे पास 7 कॉकटेल हैं जो छोटे पक्षी हैं, और हमें एक पैराकिट मिली है, और हमारे पास लगभग 20 से 30 मछलियों के साथ एक बड़ा एक्वेरियम है। मेरा नाम शताब्दी है एंड आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर। मैं अपने कैमरे के थ्रू नेचर, वाइल्ड लाइफ, पीपल, कंजर्वेशन, इन सब की स्टोरीज बताने की कोशिश करती हूँ, विद द थॉट दैट दीज इमेजेस, दीज विजुअल्स विल क्रिएट अवेयरनेस विच इज रियली नीडेड इन टुडेज टाइम। कैमरा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कहानियाँ बोल सकते हैं, अपनी कहानियाँ, अपने आसपास की कहानियाँ। तो उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी कहानी पे फोकस करें तो ज़्यादा मायने नहीं रखते आपके पास लेटेस्ट कैमरा है या नहीं है, या आप सिर्फ फ़ोन से खींच रहे हैं फ़ोटोज़। अगर आपके फ़ोटो के थ्रू यू कैन क्रिएट एन इमोशन इन योर ऑडियंस, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। The idea of a white print was simply a thought in the middle of the night that kept me curious, kept me awake.
Hi, this is Upasana Makati and I'm the founder of White Print, India's first English lifestyle magazine in Braille. The startup capital for White Print was primarily my savings. I had worked for 1 year before I started White Print, and that was the base. The first month itself of starting White Print, we got an advertising contract from the Raymond Group, and that was a big help and that was a big relief for us. I think what I'd love to tell young people who want to get into the space of social entrepreneurship is that there is no right time. If you have a creative solution, if you think your idea can solve a problem of a community or a society or a section of the society, go for it. This is the time where people are welcoming innovative ideas, innovative solutions, and you don't want to miss it. I think that the satisfaction that I get by running White Print, I don't think any other job would have ever given that to me. But at the end of it, I realized what works the best. वाह, ये कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं सारी. और यहाँ पे तुमने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे इनके बिजनेस एडवेंचर्स की वजह से ना ही सिर्फ लोगों की मदद हो रही है लेकिन सब पैसे भी कमा रहे हैं यार. इसी तो कहते हैं एकदम ट्रू एंटरप्रेन्योर. तो अब आप एक काम कीजिए, शीशे के आगे खड़े होकर खुद से पूछिए, हाउ इज द जोश? हाय सर. अगर जवाब हाय सर आए तो बस फिर आप सीधा अपना फोन उठाएं और हमें अपना आइडिया बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा आइडिया काफी लोगों की मदद कर सकता है और आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है. हो सकता है नेक्स्ट शो में हम आपके ही आइडिया की बात कर रहे हों. फिलहाल थैंक यू सो मच नेहा एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. और काबिल, ऑल द बेस्ट कहते हुए क्यों ना हम पहले हमारे जो युवा दर्शक हैं उन सबको भी ऑल द बेस्ट कह दें. क्या तुम्हारा मतलब है कि अब वक्त आ गया है? ओके, तो ऑल द बेस्ट आज के ग्राफिक उपन्यास को जीतने के लिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है सवालों के सिलसिले का. आज पहला सवाल मैं पूछूंगा, तो पहला सवाल पूछ रेला हूँ, डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? बोले तो मीनिंग क्या है डिजाइनिंग फॉर इंक्लूजन का अर्थ क्या है? तो मैं आज ऑब्वियसली दूसरा सवाल पूछूंगी. वाह, इस क्षेत्र में यानी विकलांग के क्षेत्र में नयापन कैसे लाया जा सकता है? केले के मूंगफली साइज के छिलके. तीसरा सवाल है, आपके वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी किसकी है? उनकी कंपनी का नाम क्या है? डिजाइन फॉर होप का अर्थ क्या है? क्या आप कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं जिससे बहुत लोगों की समस्याओं का हल भी हो सके? अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, अपना फुंतरू उठाओ फुंतरू और अपना जवाब इस नंबर पर हमें जरूर भेजो, या फिर यस ऐप डाउनलोड करो अपने फोन पर और आप जवाब उस पर भी भेज सकते हो. पहले 500 सही जवाब देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो जीत सकते हैं हमारा रोमांचक ग्राफिक नोवेल. बोले तो तो जल्दी भेजिए अपने जवाब. हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हुए. तब तक आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ढूंढते रहो और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए बिजनेस आइडिया पर पूरा काम करो. हमें अब इजाजत दीजिए, मैं हूँ केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी. हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. नमस्कार, मेरा नाम निकिता कपूर है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ मुंबई से. मैं ज्यादातर फिल्मों में और एड्स में काम करती हूँ, पर बाकी मेकअप आर्टिस्ट्स की तरह मैं हीरो हीरोइन को सुंदर और खूबसूरत दिखाने के अलावा उन पर निशान और चोटें भी बनाती हूँ. जैसे कि हम देखते हैं किसी फिल्म में हीरो को गोली लगी है, या कोई भारी भरकम एक्शन सीन में हीरो का खून बह रहा है, या उसके मुंह पे काफी सारी चोटें लगी है, तो इस किस्म के मेकअप को हम स्पेशल इफेक्ट्स या प्रोस्थेटिक मेकअप कहते हैं. और मैं और मेरे जैसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट ये मेकअप कर पाते हैं. मैंने काफी सारी बड़ी फिल्मों में और काफी सारे लोकप्रिय एक्टर्स के साथ काम कर रखा है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी या आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और ऐसे ही कई और.
आज मैं आप लोगों को ऐसा ही कुछ मेकअप करके दिखाने वाली हूँ जो हम लोग फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करें। तो स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप के लिए बहुत ही खास किस्म के मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर इस वीडियो को ख्याल में रखकर मैं आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूंगी जो आप लोगों को आसानी से मिल पाए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर किसी को मुंह पर मुक्का पड़ता है या इस जगह पर किसी तरीके की चोट लगती है तो वो कैसा दिखेगा और 3-4 दिन के बाद वो किस किस्म का निशान छोड़ेगा। तो इस मेकअप के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि लिपस्टिक्स, रेड, मरून या पर्पल, अगर आपके पास पर्पल लिपस्टिक है वो भी चलेगी, लाइट ब्राउन, अगर ये वाली नहीं मिलती है तो भी चलेगा, वाटर कलर्स जो किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल सकते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। आपको जरूरत पड़ेगी एक स्टील प्लेट की या किसी भी टाइप की प्लेट की जिसमें आप कलर्स मिक्स कर सकें, थोड़े से ब्रशेस, जो पेंटिंग के ब्रशेस होते हैं वो भी चलेंगे, इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक ब्रश की जरूरत नहीं चाहिए, क्रीम जिससे आप अपनी लिपस्टिक्स को थोड़ा लिक्विड बना सके सो दैट वो आपके गाल पे आराम से ब्लेंड हो पाए, और ईयरबड्स जो कहीं से भी किसी भी दुकान पे मिल सकते हैं आसानी से। बस चलिए अब हम शुरू करते हैं। किसी भी तरह के मेकअप को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ करना जरूरी है। ये आप पानी या मेकअप रिमूवर और कॉटन पैड के साथ कर सकते हैं। जिस जगह पर मेकअप लगाना है वहां का स्किन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। फिर हल्के हाथ से अपने चेहरे पर क्रीम लगाइए। ध्यान दें कि क्रीम आपके स्किन में बिल्कुल घुल मिल जानी चाहिए। अब हम अपनी रेड लिपस्टिक से थोड़ा प्रोडक्ट अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर एक स्पैचुला यूज कर रही हूँ, पर आप लोग एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि लिपस्टिक को थोड़ा स्मूथ और मुलायम बना सकें। अब एक बड़े और फ्लफी ब्रश के सहारे आप ये रंग अपनी आंख के आसपास अनियमित तरीके से लगाएं। अब मरून रंग की लिपस्टिक लीजिए और ठीक जैसे रेड लिपस्टिक को स्पैचुला से प्लेट पर निकाला था वैसे ही निकालिए और उसी ब्रश से जहां जहां आपने लाल रंग लगाया है उसके ऊपर हल्का हल्का मरून कलर लगाइए। हर जगह नहीं, बस उन फोकस पॉइंट्स पर जहां आप चोट का ज्यादा प्रभाव दिखाना चाहते हैं। अब एक छोटा और पतला ब्रश लीजिए और सेम मरून रंग के साथ अपनी आंखों के नीचे काले घेरे बनाइए। ध्यान रखें कि रंग आसपास ब्लेंड होना चाहिए, एक लाइन सी नहीं दिखनी चाहिए। अब हम एक मीडियम साइज ब्रश के साथ मरून कलर को थोड़ा गाढ़ा करेंगे और डिटेल्स बनाएंगे। इस रंग को लगाने का कोई फिक्स तरीका नहीं है क्योंकि कोई भी चोट एक सामान्य नहीं होती, तो आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पर कलर थोड़ा ज्यादा लगे तो ईयरबड से इसे हल्का कर सकते हैं। ये प्रोसेस अलग अलग ब्रशेस के साथ दोहराते रहिए जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं। अब आपकी सबसे डार्क लिपस्टिक लीजिए
मरून या पर्पल और एक मीडियम साइज ब्रश के साथ डिटेल्स बनाइए। अलग अलग प्रकार के कलर्स लगाने से आपकी चोट को गहराई मिलती है और वो उतनी ही असली दिखती है। अब रेड वाटर कलर लीजिए और थोड़ा सा प्लेट पर निकाल लीजिए और उसमें बहुत हल्का सा ब्लैक कलर मिलाइए। हम इन कलर से खून का रंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2-4 बूंद पानी मिलाइए और फिर अच्छे से मिक्स करिए। एक पतले ब्रश से ये वाटर कलर अपनी चोट के सबसे गहरे हिस्सों पर हल्के हल्के लगाइए। जब किसी को चोट लगती है तो उनका स्किन टूट जाता है जिसके कारण थोड़ा खून निकलता है और लास्ट में आप अपनी चोट को थोड़ी दूर से देखिए और जहां कहीं आपको लगे कि कुछ ऐड करना है या कुछ निकालना है तो लास्ट मिनट टचेस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेकअप पसंद आया होगा और आप लोगों ने घर बैठे खूब एंजॉय किया होगा। तो मैं ये चाहती हूँ अब आप लोग भी ये मेकअप ट्राई करिए, हम लोगों को अपनी एंट्रीज भेजिए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार।